पहले 48 नंबर पर हुआ करता था पटना, अब 44 नंबर पे। तो ये मेरे या नगर निगम का नहीं, ये सबका मिल के सहयोग है, खासकर पटना के लोगों का, कि अब पटना इस बार मैं आया हूँ थोड़ा साफ़ सफाई दिख रही। मैं पटना नगर निगम को एक सुझाव दे रहा हूँ कि थोड़ा सांस्कृतिक रूप से हमारे पटना के कल्चर को, बिहार के कल्चर को, क्योंकि राजधानी है बिहार की, इसको थोड़ा उठाया जाए। मैं मतलब उसको मजाक में कहता हूँ कि हम चाहते हैं कि आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं। मैं आपसे ये वजह पूछना चाहता हूँ, क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। गाइड पिक्चर का बायकॉट नहीं किया आपने, बहुत सारी फिल्मों का बायकॉट वाली चीज़ तो कल तो किसी को भी खड़े होकर कह देंगे इनको बायकॉट कर दीजिए साहब। पटना नगर निगम के 2 साल से ब्रांड एम्बेसडर रहे संजय मिश्रा, जो बॉलीवुड कलाकार भी हैं, वो पटना आए हैं और पटना को स्वच्छ बनाने की बात करें, 2 साल तक आप ब्रांड एम्बेसडर थे, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले 48 नंबर पर हुआ करता था पटना, अब 44 नंबर पर। तो ये मेरे या नगर निगम का नहीं, ये सबका मिल के सहयोग है, खासकर पटना के लोगों का, कि अब पटना इस बार मैं आया हूँ थोड़ा साफ सफाई दिख रही है। सर, जिस तरीके से पटना में जो अभी कई इक्विपमेंट बने हैं, पहले इस तरह से नहीं थे। आप जब पटना में थे, बहुत सालों की बात करें, जब आप अपने बचपन यहाँ बिता चुके हैं पटना में, तो उस वक्त की स्थिति में और अभी की स्थिति में काफ़ी फर्क पड़ा। बहुत 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 फर्क है, बहुत अलग हो गया है। अभी ये जो अटल पथ वगैरह जो सारी चीज़ें बनी हैं, बहुत ही सहूलियत हो गया, बहुत ही सहूलियत हो गया लोगों को, तो ये एक चेंज है। आगे की क्या प्लानिंग है आपके तरफ से, क्या सुझाव दे रहे हैं पटना नगर निगम को? मैं पटना नगर निगम को एक सुझाव दे रहा हूँ कि थोड़ा सांस्कृतिक रूप से हमारे पटना के कल्चर को, बिहार के कल्चर को, क्योंकि राजधानी है बिहार की, इसको थोड़ा उठाया जाए, इसको उठाया जाए, साफ सफाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी उठाया जाए, ताकि पटना लोग आना चाहें। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, राजस्थान का अपना एक नारा है कि पधारो हमारे देश, हमारा कोई ऐसा नारा ही नहीं। मैं मतलब उसको मजाक में कहता हूँ कि हम चाहते हैं कि आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं। पूरे देश में प्लास्टिक बैन है, उसके बावजूद भी इस बार देखा गया कि बीजेपी के पोस्टर पूरे पटना में पाट दिए। अब ये राजनीतिक पार्टी को सोचने वाली बात है कि हम जब बैन कर रहे हैं तो हर तरफ से बैन होगा, तो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचने वाली बात है कि हम वो कितना से कम प्लास्टिक यूज़ करें, ताकि उनका भी शहर, मतलब रैली वैली ख़त्म हो जाने के बाद, खूबसूरत दिखे, ये सोचने वाली बात। अब बात थोड़ी बॉलीवुड की कर लेते हैं। बॉलीवुड में अब देखा गया है कि जिस तरीके से अभी आमिर खान की फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, उसका बाइकआउट का क्यों हो रहा है? मैं आपसे ये वजह पूछना चाहता हूँ, क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। गाइड पिक्चर का बाइकआउट नहीं किया आपने, बहुत सारी फिल्मों का बाइकआउट वाली चीज़ तो कल तो किसी को भी खड़े होकर कह देंगे इनको बाइकआउट कर दीजिए साहब। ये आप तो, आप काफ़ी पुराने कलाकार, आखिर क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कुछ लोग हैं जो बस बाइकआउट करते चलो। कौन लोग हैं ये, आप नाम कैसे बता दूँ, एड्रेस कुछ कर। तो ये थे संजय मिश्रा, इन्होंने बॉलीवुड पर भी बात की और कहा कि पटना को स्वच्छ बनाने के लिए हमें आगे बेहतर प्रयास करते रहना चाहिए और नगर निगम में लगातार ये अपने सुझाव को देते रहेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।